पांच अमेजिंग ऐप जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जिसे आप इंडिया में यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी अनलकी ऐप्स हैं जिन्हें हम इंडियंस यूज नहीं कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन ऐप्स को यूज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। नंबर वन इज गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड। ओके, सबसे पहला ऐप है गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड। गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड गूगल का एक ऑफिशियल रिवॉर्ड बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसमें आपको कुछ सर्वेज या फिर सवालों की जवाब देने होते हैं और इसके बदले आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है या फिर डॉलर मिलता है, जिनका यूज आप ऐप स्टोर से ऐप खरीदने में कर सकते हैं। ऐसे तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जो कि प्ले स्टोर के गिफ्ट कार्ड रिवॉर्ड के तौर पे देते हैं, बट चूंकि ये गूगल का है और इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, खैर क्या फायदा जब ये इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। नंबर टू इज गूगल अर्थ। दूसरा ऐप जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है वो है गूगल अर्थ। गूगल अर्थ है तो पूरा ग्लोब दुनिया आपकी उंगलियों पे होगा। अगर आपको किसी 3D सिटी लाइक लंदन, टोक्यो, रोम वगैरह को 3D में देखना है या फिर ताजमहल को 3D में देखना है, मतलब 360 डिग्री में देखना है, तो गूगल अर्थ ही आपकी हेल्प कर सकता है। जबकि गूगल अर्थ का PC वर्जन इंडिया में अवेलेबल है, ऐप इंडिया की कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से इंडिया में जो है अवेलेबल नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये इंटरेस्टिंग ऐप जो है वो जल्द ही इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएगा। नंबर थ्री इज यूट्यूब म्यूजिक। जी हाँ, थर्ड एप्लीकेशन भी गूगल का ही है, यूट्यूब म्यूजिक। पता नहीं गूगल की प्रॉब्लम क्या है इंडिया से। खैर, यूट्यूब म्यूजिक स्पेशली म्यूजिक लवर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो गाने सुनना या फिर देखना पसंद करते हैं यूट्यूब के ऊपर। इसका पूरा कैटलॉग म्यूजिक के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। इसमें खास ये है कि सॉन्ग स्क्रीन ऑफ होने के बाद भी प्ले होता रहेगा, जो कि नॉर्मल यूट्यूब ऐप में पॉसिबल नहीं है। अब देखना ये है कि ये इंडिया में कब लॉन्च होता है। नंबर फोर इज अमेज़न ऐप स्टोर। अमेज़न ऐप स्टोर एक ऐसा ऐप स्टोर है जो कि प्ले स्टोर को टक्कर दे सकता है। ऐसे तो ये US के अलावा बहुत सारी कंट्री में ऑलरेडी है, बट फिलहाल ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इस पे बहुत सारे ऐप जो प्ले स्टोर पर पेड होते हैं वो आपको अमेज़न ऐप स्टोर पर फ्री में मिल जाएंगे, या फिर कंपेयर टू प्ले स्टोर प्राइस जो है वो काफी कम होता है। इसके अलावा यहां पर आपको ऐप परचेज और गेम्स पर अमेज़न कॉइन या फिर रिवॉर्ड मिलता है, जिसका यूज आप ऐप परचेज के लिए कर सकते हैं। अमेज़न का ये प्रोडक्ट इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है। नंबर फाइव इज Spotify। Spotify एक बेस्ड एंड पॉपुलर म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है, जिसमें आप कहीं भी कभी भी कोई भी म्यूजिक आर्टिस्ट प्लेलिस्ट को स्ट्रीम कर सकते हैं। ये एक वर्ल्ड वाइड पॉपुलर ऐप है, लेकिन अगर आपको स्पेशली इंडियन सॉन्ग सुनना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाना, विंक या फिर सावन ऐप यूज आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये ऐप भी इंडिया में ऑफिशियली कब लॉन्च होता है। ओके, तो ये था मेरी नजर में पांच अमेजिंग ऐप जिन्हें इंडिया में होना चाहिए था, बट फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी लिस्ट में कोई और एप्लीकेशन भी है तो आप अभी कमेंट में लिख करके जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर इन ऐप्स को आपको यूज करना हो ऐसी कंट्री में जहां पे ये बैन है, जहां पे ये अवेलेबल नहीं है, तो कैसे आप यूज कर सकते हैं। आप इनका APK डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप VPN सर्विस यूज कर सकते हैं, जो आपकी लोकेशन को IP एड्रेस को चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल, ये एप्लीकेशन जो है वो US में अवेलेबल है, तो आप जो है US का लोकेशन चूज कर लीजिए और उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि सारे एप्लीकेशन वर्क करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। लाइक तो जरूर कीजिए, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।